क्यों आई कामा? आप दुनिया की सबसे बेस्ट अम्मी हैं। जाओ, जाकर तुम कपड़े बदलो, घर पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। मैं जानता हूं तुम दुआ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो, बहुत प्यार करती हो उससे, लेकिन तुम्हारी इस प्यार की वजह से मैं अपने बच्चे को बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा तुमसे रिश्वतखोरी और दगाबाजी सीखे। दुआ को मैं घर लेके जा रहा हूं, तुम जाओ यहां से पहले। दुआ, ये आपके लिए। नानी जान, आपको पता है नानी जान को आप पर कितना फक्र है? आज तो आपने अपनी परफॉर्मेंस से सबकी बोलती बंद कर दी। थैंक यू नानी जान, आपने मेरा साथ दिया। मेरा बच्चा, मैं तो हमेशा ही आपका साथ देना चाहती हूँ, लेकिन न जाने क्यों आपकी अम्मी मुझे हमेशा आपसे दूर करने की कोशिश करती रहती है। पर अब फैसले का वक्त आ गया है दुआ, आपको खुद सोचना होगा कि आप आपसे नफरत करने वाली डॉक्टर चाहत के साथ रहना चाहते हो या आपसे ढेर सारा प्यार करने वाली आपकी नानी जान के साथ। मैं अपनी नानी जान को नहीं छोड़ सकती। चलो नानी जान, अब मैं जाती हूँ, अब्बू बाहर मेरा वेट कर रहे हैं। थैंक यू नानी जान। जीती रह मेरी चिड़िया। ये तो कयामत के आसार है। अब देखना चाहत मैं कैसे दुआ को और दुआ के जरिए बेग साहब की सारी दौलत को हासिल करती हूँ। और उतना ही नहीं, जिस तरह तुमने मुझे मेरे बेटे से दूर किया था, उसी तरह मैं दुआ को हमेशा के लिए तुमसे दूर ले जाऊंगी। अल्लाह मियां, अगर मैं दुआ की परवरिश में कहीं गलत जा रही हूं तो प्लीज मुझे सही रास्ता दिखाइए। मैं अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहती। प्लीज अल्लाह मियां। कुछ गलत नहीं कर रही हो तुम, इनफैक्ट जो तुमने किया है ना उसके लिए तुम्हें मेडल मिलना चाहिए। बेस्ट मॉम। ये मेडल नहीं नील, बस एक दिलासा है। बेस्ट मॉम ना। क्योंकि आप भी जानते हैं थी, जो बातें आज दुआ ने मुझसे कही है उसके बाद मेरा दिल टूट गया। अच्छा तो बच्ची है, उसको सही और गलत की पहचान नहीं है, लेकिन हम तो उसके माँ बाप है ना, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि सही क्या है गलत क्या है, और चाहे इसके लिए हमें कितने कठोर दिल क्यों ना बनना पड़े। चाह देखो चाह, जो करने की हिम्मत तुमने दिखाई है आई एम श्योर वो बहुत सी माएं नहीं कर पाएंगी। भले ही हमारी बच्ची हमसे रूठ गई है चाहत, लेकिन पता है जब हमारी बच्ची बड़ी होगी ना उसको तब एहसास होगा कि उसकी माँ के पत्थर दिल ने उसको सही और गलत की पहचान करना बताया। और अगर ऐसा हुआ ही नहीं तो फिर
अगर तू बड़े होने तक मेरे साथ रही नहीं तो फिर चाहत, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी बच्ची हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। बस हमें एक काम करना है, हमारी बच्ची को हमें अलखनंदा और गजाला से दूर रखना है। वो बच्ची है, वो दोनों उसके कानों में जहर घोलने की कोशिश करेंगे। अब तुम ये मत बोलना कि वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुम अगर ऐसी कठोर बनी रहोगी ना तो दुआ तुम्हारी सारी बात सुनेगी। थैंक यू नी, अगर आप मेरी लाइफ में नहीं होते तो मैं तो पूरी तरह से टूट जाती। बर्गर्स किसको पसंद है? कौन इस यमी यमी बर्गर को खाएगा? पता नहीं किसे चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए। बेटा आपको बर्गर्स बहुत पसंद है ना? देखो मैंने सुबह सुबह उठ के तुम्हारे लिए बर्गर बनाया है। मुझे नहीं खाना। पिज्जा तो खाएगी ना दुआ? कोई जरूरत नहीं अलग धंधा। दुआ के लिए मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ और आज के बाद दुआ का हर काम अलग धंधा मैं ही करूंगी। वो मेरे हाथ से खाना खाएगी, मेरे हाथ से नहाएगी और मेरे साथ ही सोएगी। ये तो गलत बात है ना चाहत? मैं मानती हूँ कल मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो दुआ की खुशी के लिए किया। तुम उसके लिए मुझे दुआ से दूर नहीं कर सकती। मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ इसकी। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे इस अंधे लाड़ प्यार की वजह से मेरी बेटी किसी गलत रास्ते पर चले। वाचा, जब मेरी जरूरत होती है तो दौड़ के मेरे पास आ जाती हो, और अब जब काम खत्म हो गया तो तुमने भी मुझे औरों की तरह निकाल फेंका ना? नहीं अलकू, ऐसी बात नहीं है। क्या सोचकर चली आई तुम घर के अंदर? तो आप निकल जाओ यहां से, और खबरदार अगर मेरी बच्ची का नाम अपनी जुबान पर लाई तो। कब तक अपनी बेटी पर रौब झाड़ते रहोगे नीलकंठ? जो तुम्हारे मुंह पर मारने के लिए लाई हूं मैं, उसे गौर से पढ़ लेना। ये लो। सही पढ़ा तुमने, लीगल नोटिस है दुआ की कस्टडी के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? अपने हक का दावा किस हैसियत से पेश कर रही हो तुम, वो भी बच्ची की माँ और बाप के सामने? कौन सी माँ? ये जिसके साथ दुआ रहने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो ये देखिए। ये वीडियो जज साहब देख चुके हैं, और फिर जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी बच्ची के साथ इस घर में कितने जुल्म होते हैं, उनकी तो आंखों में आंसू आ गए। इसीलिए उन्होंने ये फैसला दुआ पर छोड़ा है कि वो किसके साथ रहना चाहती है, अपनी अम्मी के साथ या अपनी नानी जान के साथ। इसलिए आप लोगों के पास दुआ के साथ गुजारने के लिए सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। जाइए, जाकर कुछ आखिरी वक्त
बच्ची के साथ बिता लीजिए, क्योंकि कल के बाद मैं आप लोगों को दुआ के पास नहीं आने दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें अभी इस घर से धक्के मार के निकालूंगा मैं। निकलो यहाँ से। नहीं, रुके। नहीं चाहत इस औरत को मैं आज मैं इसकी जगह दिखा कर रहूंगा। निकलो तुम यहाँ से। नहीं तो ये लोग चाहते हैं। बाहर देखिए। आलेख जी हमारी वीडियो बना रहे ताकि वो ये वीडियो कोर्ट के सामने दिखा सके। सौरा जी, इस दरवाजे से आऊं या वहां से? नीलकंठ, कीचड़ में पत्थर मारने का कोई फायदा नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है नीलकंठ, बड़ी समझदार और अच्छी पत्नी मिली है तुझे। लेकिन अफसोस, जितनी अच्छी और समझदार तेरी पत्नी है उतनी अच्छी माँ नहीं बन पाई। कैसे बर्दाश्त करोगे जब कोर्ट में दुआ कहेगी कि मैं चाहत के साथ नहीं तो गजाला के साथ रहना चाहती हूँ? बस कीजिए आलिक जी, हमारा दर्द हमारी खुशियाँ, आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी आप और मिसेस बेग घर से निकल जाइए। अभी जा रहे हैं लेकिन कल जरूर आएंगे तुम्हारा दर्द बांटने। चाहत, चाहत ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बस दुआ को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तुम देखना कल कोर्ट में हमारी बच्ची बोलेगी कि वो हमारे साथ रह, यही बोलेगी कि वो उस मुमताज महल के साथ रहना चाहती है। ये सच्ची तो बोल के गए हैं वो लोग। ये अगर बच्ची अपनी माँ से ही नफरत कर रही है तो खोट माँ में ही होगी ना। पर क्या हम इसे जानते नहीं है? ये इस परिवार की खुशियाँ छीनने आई है। जमना की बारे, तुमसे तुम्हारी राय मांगी है किसी ने? एक शब्द मत बोलना आप। इस घर में जितनी खुशियाँ हैं सब इसी के दम से हैं। मामी, मामी, नीलकंठ तुम दुआ से आगे बात करो, समझाओ उसे। दुआ को भी यही लगता है कि मैं चाहत का पक्ष लेता हूँ। हाँ, अगर श्लोक दुआ से बात करे तो कुछ बात बन जाएगी। दोनों हम उम्र हैं और शायद श्लोक ही समझा सकता है दुआ को। ये भी ठीक है। टिंकू मियाँ, कहाँ हो तुम? कहाँ चले गए टिंकू मियाँ? टिंकू मियाँ, टिंकू मियाँ कहाँ हो तुम? लगता है जाके मेरे पेट के पीछे छुप गए। टिंकू मियाँ, टिंकू मियाँ तो यहाँ पे भी नहीं है। टिंकू मियाँ, टिंकू मियाँ, टिंकू मियाँ कहाँ हो तुम? टिंकू मियाँ कहीं गुम तो नहीं गए? टिंकू मियाँ, अरे टिंकू मियाँ कहीं नहीं गए। ये देखो, ये टोकरी में सो रहा है। टिंकू मियाँ, अरे अरे, टिंकू मियाँ को अभी उठाओ मत, उसको सोने दो। या अल्लाह, मैं तो रोने ही वाली थी। वाह, तुम टिंकू मियाँ को तो एक हफ्ते से जानती हो ना? अगर टिंकू मियाँ तुमसे बहुत दूर चले जाता तो तुम कितना रोती? वैसे ही अगर तुम माँ से दूर चली जाओ तो माँ कितना रोएगी? क्या मतलब? मतलब बाबा बोल रहे थे कि कल हमें एक ऑर्डर वाली जगह पे जाना है। उधर काले कोट वाले अंकल तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें माँ के साथ रहना है या नानी के साथ।
मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है अल्लाह मियां? मुझे मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे धुआं मुझसे दूर चले जाएगी? मेरी बच्ची मुझसे चाहत चाहत ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। तुम माँ हो उसकी और तुम्हारी जगह वो किसी और को नहीं दे पाएगी। तुम देखना कल हमारी बेटी ना बड़ी समझदारी से कोर्ट में सबके सामने कहेगी कि वो हमारे साथ रहना चाहती है, अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। नहीं नहीं, दुआ ने कितनी बार कहा है कि उसे मेरे साथ नहीं रहना, मेरी बेटी उससे नफरत करती है। दुआ मुझसे नफरत करती है। अगर मैं अच्छी माँ होती तो वो मुझसे नफरत नहीं करती, मुझे ये सजा नहीं मिलती। नील चाहत, चाहत तुम ये कैसे बोल रही हो? हमारा एक बेटा है जो दिखने में भले ही सीधा साधा हो लेकिन बहुत समझदार है। वो दुआ को समझाने वही गया है और तुम देखना वो उसकी बात जरूर मानेगी। तुम मेरे साथ आओ, अपने आंसू पोछो और मेरे साथ आओ, कर जल्दी आओ। लेकिन नील, तुम जब छोटी बेबी थी तब माँ ने ही तुम्हें बड़ा किया है ना। तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हारे कपड़े बदले और तो और तुम्हें चलना भी सिखाया। मुझे तो ये सब सिखाने के लिए माँ भी नहीं थी। तो दुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि माँ तुमसे ज्यादा प्रेम करती है। अगर वो मुझसे प्यार करती है तो फिर उन्होंने मेले में सबसे पहले तुम्हें क्यों बचाया? क्योंकि मैं डरपोक हूँ ना और तुम शक्तिशाली। ये बात माँ को पता थी, तुम वहाँ झूले पे थी और तुम्हें अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं वहाँ झूले पे होता ना, मैं पक्का डर के मारे वहाँ से नीचे गिर जाता। पता है, मैंने देखा है, जब जब माँ तुम्हें डांटती है ना, तब तब माँ अकेले में जाके बहुत रोती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है दुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर वो मुझसे प्यार करती है तो फिर वो मुझे डांटती क्यों है? क्योंकि वो माँ है ना। माँ अगर बच्चों को ना डांटे तो बच्चे बड़े होके बहुत गंदे बच्चे बन जाते हैं। माँ ने तुम्हें इसलिए डांटा ताकि तुम बड़े होके गंदी बच्ची ना बनो दुआ। और अगर तुम चली गई तो मैं भी तो अकेला हो जाऊंगा ना दुआ। देखा तुमने, श्लोक तुम्हारी बच्ची को समझा रहा है। दुआ को देखो कैसे सोच में डूबी हुई है। पता है क्या सोच रही है वो? क्या? कि वो तुम्हारे बिना कैसे रह पाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो चाहत, और भगवान एक इतनी अच्छी माँ से उसके बच्चे को कैसे छीन सकता है? इट्स ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा।